हेलो एवरीवन, आई एम आशीष, आई एम योर फिजिक्स टीचर। और लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था मेथड ऑफ मैग्नेटाइजेशन। अब हम नेक्स्ट स्टडी करेंगे मैग्नेटिक मटेरियल और डीमैग्नेटाइजेशन के बारे में। तो सबसे पहले आता है मेथड ऑफ डीमैग्नेटाइजेशन। मेथड ऑफ डीमैग्नेटाइजेशन मतलब अगर हमारा कोई मैग्नेटिक मटेरियल है और हमको उसको क्या करना है, डीमैग्नेटाइज करना है, मतलब उसकी प्रॉपर्टीज है जो मैग्नेटिज्म की, उनको डिस्ट्रॉय करना है, उनको एलिमिनेट करना है। तब हम उनको कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं, तो इसके लिए हमारे पास चार मेथड है। वन बाय वन स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले आता है बाय रफ हैंडलिंग। बाय रफ हैंडलिंग का मतलब क्या है, हम अगर मैग्नेट को बार बार क्या करते हैं, उठाते हैं और ऊपर से ड्रॉप कर देते हैं, या इसको हैमर से हिट करेंगे, जो हमारी मैग्नेट है अगर उसको हैमर से हिट करेंगे तो वो क्या हो जाएगी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को लॉस्ट कर देगी। ऐसा क्यों होता है ये इस वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। वो सारा डिपेंड करता है हमारा मॉलिक्यूलर थ्योरी पे। सेकंड कहता है हीटिंग द मैग्नेट एंड अलोइंग टू कूल बाय लाइन ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन। इसका मतलब ये है, अगर हम मैग्नेट को हीट कर देते हैं और कुछ टाइम के लिए उसको रख देता कि वो ठंडी हो जाए, तो क्या होगा, उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लॉस्ट हो जाती है। क्यों, इसके पीछे भी रीजन सेम है। इसके पीछे रीजन क्या है, मोलिकुलर थ्योरी है, क्योंकि इसके मोलिक्यूल्स डिस्टर्ब हो जाते हैं। थर्ड है हमारा बाय पासिंग हाई फ्रिक्वेंसी इलेक्ट्रिक करंट। अब देखो, अगर हम किसी मैग्नेट में हाई फ्रिक्वेंसी का इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करते हैं, हाई फ्रिक्वेंसी इलेक्ट्रिक करंट का मतलब क्या है, फ्रिक्वेंसी को कैसे डिफाइन करते हैं, फ्रिक्वेंसी को डिफाइन करते हैं हम नंबर ऑफ साइकिल पर सेकेंड। लाइक एक फैन है, अगर फैन रोटेट करता है 1 मिनट में, मान लो लगाता है 60 चक्कर, तो क्या हो जाएगी, इसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। ऐसे ही जो हमारा अल्टरनेटिंग करंट है उसकी फ्रीक्वेंसी होती है 50 हर्ट्ज, मतलब वो 1 सेकंड में 50 बार अप और डाउन हो जाता है। ये हमारी फ्रीक्वेंसी को ऐसे डिनोट करते हैं। मान लेते हैं 1 मिनट में इसने दो ही साइकिल, एक साइकिल कंप्लीट की है, और अगर मैं इतना ही लगा के यहां से ऐसे ड्रॉ कर दूं, तो यहां पे उसने 3 साइकिल कंप्लीट कर ली, तो यहां पे फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, यहां पे फ्रीक्वेंसी कम है। तो ये फ्रीक्वेंसी का कॉन्सेप्ट है, ये हम इलेक्ट्रिक करंट में भी करते हैं। अभी मैग्नेटिज्म में सिर्फ हम इतना ही पढ़ते हैं कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है, नंबर ऑफ साइकिल पर सेकंड। तो जैसे ही हम एक हाई फ्रीक्वेंसी का अल्टरनेटिंग करंट या एसी करंट, टू टाइप्स ऑफ करंट होते हैं, एसी एंड डीसी। डीसी में फ्रीक्वेंसी 0 होती है, क्योंकि ये क्या है, सिर्फ स्ट्रेट लाइन ऐसे फ्लो करता है, एक ही मैग्नीट्यूड पे चलता है। जबकि जो हमारा एसी होगा उसमें वो एक बार पॉजिटिव और एक बार नेगेटिव, दोनों टाइप के मैग्नीट्यूड रखता है, डायरेक्शन भी उसकी रिवर्सली चेंज होती रहती है। फोर्थ है हमारा मैग्नेट में लूज इट्स मैग्नेटिज्म बाय सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन क्या होता है, देखो अगर हम मैग्नेट को कुछ टाइम के लिए रख देते हैं, तो उसके जो एटम्स हैं उसके अंदर क्या होगा, एक अपोजिट डायरेक्शन में अलाइन होना स्टार्ट कर देते हैं, और जब वो अपोजिट डायरेक्शन में अलाइन होना स्टार्ट करेंगे तो वो अपने ही मैग्नेटिज्म को लॉस करेंगे। लाइक एक मैग्नेट है, नॉर्थ और साउथ क्या होती है, इसकी डायरेक्शन होती है मैग्नेटिक फील्ड की, बट उस टाइम पे जो एटम है वो साउथ से नॉर्थ फ्लो करते हैं हमेशा। याद रखना, जब मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ जाती है, जो एटम्स है, मोलिक्यूल्स है, वो साउथ से नॉर्थ आते हैं। जब ये एटम क्या करेंगे, अपने आप को अपोजिट डायरेक्शन में अलाइन करना स्टार्ट कर देंगे इनसाइड इनसाइड मैग्नेट, तो वो अपर जो ऊपर वाली मैग्नेटिक फील्ड है या एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या होगी, वो कैंसिल होती जाएगी इंटरनल से, तो ये क्या होंगे, यहाँ पे इसका मैग्नेटिज्म धीरे धीरे लॉस हो जाएगा, तो उसको बोलते हैं हम सेल्फ इंडक्शन। तो ये चार मेथड थे जिससे हम क्या कर सकते हैं, मैग्नेट को डीमैग्नेटाइज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आते हैं मैग्नेटिक कीपर। मैग्नेटिक कीपर्स क्या होते हैं, मैग्नेटिक कीपर हम यूज करते हैं सेल्फ इंडक्शन से प्रोटेक्ट करने के लिए। वी कीप द मैग्नेट फॉर ए लॉन्ग टाइम, वी फाइंड दैट इट लॉस इट्स मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। अगर एक लंबे टाइम तक हम मैग्नेट को रखते हैं तो क्या करेगा, अपनी प्रॉपर्टी को लॉस्ट कर देगा, तो उसको बचाने के लिए इट बिकम्स वीक एंड ड्यू टू सेल्फ इंडक्शन अपोजिट पोल्स आर इंड्यूस्ड विच रिजल्ट्स इन लॉस ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। क्या होगा, उस पर अपोजिट पोल्स डेवलप हो जाते हैं जो मैंने अभी बताया, और क्या होंगी, वो मैग्नेटिक फील्ड धीरे धीरे लॉस होती जाएगी और फाइनली खत्म हो जाएगी। द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड ऑल्सो इंड्यूस इट्स ओन पोल वीक इन द मैग्नेटिक स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेट। तो इन्हीं पोल्स को डेवलप होने से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, हम अपोजिट पोलैरिटी के पोल्स डेवलप करते हैं, और वो कैसे होंगे, वो मैग्नेटिक कीपर से होते हैं। मैग्नेटिक कीपर्स क्या होता है, एक सॉफ्ट मेटल का पीस होगा जो हम मैग्नेट के
बीच में रख देंगे, उसके बाद उस पर अपोजिट पोल डेवलप होंगे। इस फिगर से समझते हैं इसको। ये देखो, हमने एक सॉफ्ट आयरन का पीस और उसके ऊपर मैग्नेट को पुट किया। अब जैसे ही हमने इसके ऊपर मैग्नेट को पुट किया, जैसे नॉर्थ पोल होगा तो उस पर साउथ डेवलप कर देगा, साउथ होगा तो उसके ऊपर नॉर्थ डेवलप हो जाएगा, मींस अपोजिट पोल डेवलप हो गए। और जैसे ही इस पर अपोजिट पोल डेवलप होंगे, जो इसके अंदर मॉलिक्यूल्स है ना, जो मॉलिक्यूल्स है जिस भी मटेरियल से बनी हुई मैग्नेट है, वो क्या करेंगे, अट्रैक्ट हो जाएंगे। और जब वो अट्रैक्ट रहेंगे एक ही डायरेक्शन में, तो अपोजिट डायरेक्शन में जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रही थी वो नहीं होगी और वो एक ही डायरेक्शन में रहेगी। जब तक आप इसको किसके ऊपर रखोगे, सॉफ्ट आयरन का जो पीस है उसके ऊपर रखा रहेगा। तो ये कितने भी टाइम तक रखा रहे, इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लॉस नहीं होंगी। तो इसको बोलते हैं हम मैग्नेटिक कीपर। तो मैग्नेटिक कीपर किसके लिए यूज करते हैं, टू प्रोटेक्ट फ्रॉम सेल्फ इंडक्शन। तो ये लिखा हुआ है, द नॉर्थ पोल ऑफ द इंड्यूस्ड एट द साउथ पोल, नॉर्थ पोल पे साउथ पोल इंड्यूस्ड हुआ है, दिस इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म इन द कीपर रिजल्ट्स इन द अट्रैक्शन बिटवीन द पोल्स। और ये किसकी वजह से हुआ, क्योंकि ये अट्रैक्शन करते रहेंगे एक दूसरे से। द म्यूचुअल अट्रैक्शन इंप्रूव द मैग्नेटिक अलाइनमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल लेवल। अब क्या उनका अलाइनमेंट रहेगा, अलाइनमेंट क्या होता है, मतलब मॉलिक्यूल्स ऐसे रेंडमली मूव करते रहते हैं, कोई इधर कोई इधर कोई नीचे, इनको एक ही डायरेक्शन में जब वो आना स्टार्ट करते हैं, ऐसे एक ही डायरेक्शन में आ जाएंगे, तो इनको बोलते हैं मॉलिक्यूलर मॉलिक्यूल्स। क्या कर रहे हैं, अपने आपको अलाइन कर रहे हैं सेम डायरेक्शन में, और वो ऐसे एक ही डायरेक्शन में अपने आपको अलाइन करेंगे, और जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनको बाइंड करके रखेगी, बांध के रखेगी, जिससे वो इधर उधर डायरेक्शन में ना जाए और अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को लॉस ना करें। तो ये सारा इसी में लिखा हुआ है यहाँ पे। उसके बाद आता है मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस। हम मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस किनको बोलते हैं, हमारे जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को शो करेंगे, जैसे हमारा आयरन है, आयरन क्या है, अट्रैक्ट हो जाता है मैग्नेट से, तो एक मैग्नेटिक मटेरियल है। बट अगर हम बात करते हैं वुड की, तो वुड क्या अट्रैक्ट नहीं होती, तो वो क्या एक नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है। बट जो ये प्रॉपर्टी शो होती है किसकी वजह से होती है, ये डिपेंड करती है मॉलिक्यूल्स के ऊपर। थोड़ा सा हमने डिस्कस किया है, थोड़ा सा अब डिस्कस करेंगे मॉलिक्यूल्स के बारे में। द सब्सटेंस विच कैन बी मैग्नेटाइज्ड और सब्सटेंस विच आर आइदर अट्रैक्ट और रिपेल्ड बाय ए मैग्नेट इज कॉल्ड मैग्नेटिक सब्सटेंस। जो मैग्नेट क्या करे, मान लो एक मैग्नेट ली और एक आयरन पीस लिया, तो ये क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट कर लेगी, जो ये मैग्नेट है ये इनके बीच में अट्रैक्शन होगा, तो अट्रैक्ट भी कर सकती है और रिपेल भी कर सकती है। मान लो हम कोई सेकंड यहाँ पे एक दूसरी मैग्नेट लेके आते हैं, आयरन पीस की बजाय हम यहाँ पे एक मैग्नेट ही लेके आते हैं, तो देखो नॉर्थ पोल होंगे तो क्या करेंगे, रिपेल कर देंगे। तो मतलब रिपल्शन जो हो रहा है या अट्रैक्शन जो हो, तो मतलब क्या है, उनके पास प्रॉपर्टी है कौन सी, मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी है। फॉर एग्जाम्पल, आयरन बार कैन बी कॉल्ड मैग्नेटिक सब्सटेंस इवन दो इट मे बी नॉट मैग्नेटाइज। जरूरी नहीं है कि हम उसको पहले मैग्नेट बनाए तभी अट्रैक्ट होगी, वो नॉर्मली क्या है, अट्रैक्ट हो जाती है, उसके मॉलिक्यूल अट्रैक्ट हो जाते हैं। द सब्सटेंस विच आर अनअफेक्टेड बाय मैग्नेट इज कॉल्ड नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस, बता चुके हम पहले, जो हमारी सबसे फर्स्ट वीडियो थी उसके बारे में, उसमें हमने डिस्कस किया था मैग्नेटिक नॉन मैग्नेटिक के बारे में। डिफरेंट मैग्नेटिक सब्सटेंस एग्जिबिट्स मैग्नेटिक प्रॉपर्टी वेरिंग एक्सटेंट ब्रॉट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बेस्ड ऑन मैग्नेटिक सब्सटेंस क्लासिफाइड एज फॉलो। मतलब ये कह रहा है कि अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में कोई सब्सटेंस रखते हैं और वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को शो करेगा, तो वो मैग्नेटिक मटेरियल है। और अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में किसी सब्सटेंस को रखें और वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो ना करे, तो वो नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस होगा। इसी के अकॉर्डिंग हमने तीन टाइप के सब्सटेंस में इसको डिवाइड किया हुआ है, मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक को। तो सबसे पहला आता है हमारा डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या कहता है, दे एग्जिबिट्स प्रैक्टिकली नो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, हाउएवर इन पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड दे फीबली रिपेल्ड बाय मैग्नेट्स। इसका कहने का मतलब ये है कि अगर हम, मान लो कोई डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है, ये कोई डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है और ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आ रही है नॉर्थ से साउथ मैग्नेटिक फील्ड आ रही है, तो क्या होगा, इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो अपने आप को अरेंज नहीं कर पाएंगे एक डायरेक्शन में, वो सारे इधर उधर दूसरी डायरेक्शन में रहेंगे,
तो ये कभी भी मैग्नेट नहीं बन पाएगी। बट ये क्या होगी, अगर हम इसको फ्रीली सस्पेंड करेंगे रिपल्शन जरूर शो करेगी बट ये कभी मैग्नेट नहीं बन पाएगी। जैसे एंटीमनी, गोल्ड, बिस्मिथ, लेड, वाटर, ये सारे के सारे क्या है, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस हैं और ये बहुत ही कम मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को शो करते हैं। सेकेंड आता है हमारा पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। पैरामैग्नेटिक क्या कह रहा है, दे गेट फीबली मैग्नेटाइज एंड पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड एंड आर फीबली अट्रैक्ट बाय द पावरफुल मैग्नेट। ये कह रहा है जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होंगे अगर हम इनको मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो ये मैग्नेटाइज होना स्टार्ट हो जाते हैं, मतलब कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को शो करना स्टार्ट करेंगे और ये क्या करेंगे, ये अट्रैक्ट हो जाते हैं फिर मैग्नेटिक, जो हमारे मैग्नेट्स हैं उनसे अगर इसके सामने रखोगे तो उनको ये अट्रैक्ट करेंगे। क्यों, क्योंकि इसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ गई है। फॉर एग्जाम्पल प्लेटिनम, क्रोमियम, एल्यूमिनियम एक्सेट्रा। थर्ड हमारा फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, दे आर इजीली मैग्नेटाइज्ड बाय एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ये क्या है, इनको बस रखो कुछ ही टाइम में बहुत जल्दी मैग्नेटाइज्ड हो जाते हैं, ये कुछ टाइम लेंगे, ये बहुत ही कम टाइम में क्या होंगे, मैग्नेटाइज्ड हो जाएंगे, मतलब इनके पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जल्दी से आ जाती है, इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो जल्दी से अपने आप को अरेंज कर लेंगे एक ही डायरेक्शन में और ये स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं मैग्नेट्स के टुवर्ड्स। अगर इसके पास मैग्नेट लेके आओगे फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के तो ये क्या होंगे, अट्रैक्ट हो जाएंगे स्ट्रांगली, एकदम से अट्रैक्शन होगा और इनको हम आर्टिफिशियल मैग्नेट बनाने के लिए यूज करते हैं, लाइक आयरन, निकल, कोबाल्ट, ये सारे हम क्या है आर्टिफिशियल मैग्नेट के। तो आपको इनके एग्जाम्पल याद रखने हैं तीनों के लिए, ठीक है, एक एक एग्जाम्पल याद रख लोगे वो भी काफी है। फर्स्ट के लिए गोल्ड हो गया, सेकेंड के लिए क्रोमियम या एल्यूमिनियम होगा, थर्ड के लिए आयरन हो गया। ये हमारे थ्री टाइप्स ऑफ मटेरियल थे। अब आती है मॉलिक्यूलर थ्योरी। मॉलिक्यूलर थ्योरी क्या बोलती है, देखो अगर कोई मैग्नेटिक मटेरियल है और वो ऐसे ही फ्री रखा हुआ है, मतलब हमने उसको मैग्नेटिक फील्ड में नहीं रखा, और अगर वो मैग्नेटिक फील्ड में नहीं रखा तो उसके जो मॉलिक्यूल्स है वो ऐसे रेंडमली मूव करते रहते हैं इधर उधर। देखो कोई इधर जा रहा है, कोई नीचे आ रहा है, कोई इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये सारे रेंडमली मूव कर रहे हैं और जब तक ये रेंडमली मूव करते रहेंगे ये उस मटेरियल की हम मैग्नेट नहीं बना सकते। मैग्नेट बनाने के लिए वो क्या है, एक ही डायरेक्शन में आना उनका जरूरी है। तो मॉलिक्यूलर थ्योरी में यही सारा लिखा हुआ है कि अगर हम किसी मैग्नेटिक मटेरियल को, मान लो एक मैग्नेटिक मटेरियल है और इसको फील्ड में रखेंगे तब आएंगे एक डायरेक्शन में। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि जेम्स एविंग्स ने प्रपोज किया था मॉलिक्यूलर थ्योरी को, ये साइंटिस्ट का नेम है जो आपको याद रखना है। तो ये कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑल मैग्नेटिक सब्सटेंस बिहेव लाइक टीनी मैग्नेट नोन एज मॉलिक्यूलर मैग्नेट। मतलब जैसे ये मॉलिक्यूल्स को शो कर रखा है, ये मॉलिक्यूल्स हैं किसी इसके अंदर, किसी भी मैग्नेट के अंदर, तो ये उसका नॉर्थ पोल हो जाएगा और ये साउथ पोल हो जाएगा, ठीक है। तो ये छोटी छोटी मैग्नेट की तरह बिहेव करते हैं मॉलिक्यूल्स। तो जब ये सारी मैग्नेट्स, मतलब ये मॉलिक्यूल्स एक ही डायरेक्शन में आते हैं तब वो मैग्नेट बन जाती है। ईच हैविंग ए नॉर्थ एंड साउथ पोल, हर एक के पास नॉर्थ और साउथ पोल है, इसके पास भी, इसके पास भी, इसके पास भी, सारे के सारे छोटी छोटी मैग्नेट्स के रूप में होते हैं, जो फॉर्म है वो सारी एक मैग्नेट की फॉर्म है, छोटे छोटे हैं नॉर्थ और साउथ पोल। अब इनको क्या करना है, हमें एक डायरेक्शन में लेके आना है। अभी तक इनकी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जीरो होगी। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जीरो क्यों होती है, ये जीरो लिखी हुई है, जीरो क्यों है, क्योंकि देखो ये मैग्नेटिक फील्ड नीचे को आ रही है, इसकी इधर आ रही है, इसकी इधर आ रही है, अब सेम जैसे इसकी अपोजिट जा रही है, तो ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, क्योंकि ये एक दूसरे की अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं और जब तक ये रैंडम मोशन में होते हैं ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करते रहते हैं। तो इसीलिए कभी मैग्नेट बन ही नहीं पाएगी अगर ये नॉर्मली ऐसे रखी हुई है। अब हम क्या करते हैं, इस मैग्नेट, इस मटेरियल को उठा के हमने क्या किया, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया। ये मटेरियल था, यहां से मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आ रही है नॉर्थ से साउथ, ठीक है, नॉर्थ से साउथ मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया। तो अब क्या होगा, अब ये अपने आप को अरेंज करना स्टार्ट कर देते हैं किसमें, साउथ से नॉर्थ। मैंने अभी बताया था कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हमेशा नॉर्थ से साउथ जाती है, बट जो मॉलिक्यूल्स है ना वो उसके अपोजिट होते हैं। लाइक सेम चीज हम करंट में भी पढ़ते हैं कि जो करंट है वो हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव आता है, बट जो इलेक्ट्रॉन है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव ट्रेवल करते हैं।
यही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे है, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो नॉर्थ से साउथ जाती है, बट जो मॉलिक्यूल्स है वो साउथ से नॉर्थ मूव करते हैं। तो जैसे ही इन्होंने देखो अब अपने आपको एक डायरेक्शन में लेके आना शुरू कर दिया, अलाइन कर दिया सेम डायरेक्शन में, और जैसे ही अपने आपको सेम डायरेक्शन में अलाइन करना स्टार्ट करते हैं तो अब ये क्या बन गई, एक मैग्नेट बन गई। अब ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को शो करेगी। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि जो हमारी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है वो कैसे आ रही है, व्हेन ए आयरन पीस इज मैग्नेटाइज द क्लोज मोलिकुलर चेन ब्रेक व्हेन ऑल मोलिक्यूल्स बिगिन टू अलाइन देमसेल्फ इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड एज द मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंक्रीज मोर मोलिक्यूल्स अलाइंग इन द गिवन ओरिएंटेशन। मतलब मान लो हमने पहले वीक मैग्नेटिक फील्ड दी तो दो चार मोलिक्यूल्स अरेंज होंगे, फिर हमने क्या किया इसको इंक्रीज किया, स्ट्रेंथ बढ़ा दी मैग्नेटिक फील्ड की, और जैसे ही स्ट्रेंथ बढ़ेगी ये हाई इंटेंसिटी के साथ जाएगी, अब अपने आप को ज्यादा से ज्यादा मोलिक्यूल एक डायरेक्शन में अरेंज करना स्टार्ट कर देंगे और उतनी ही स्ट्रोंग हमारी क्या होती जाएगी, मैग्नेट डेवलप होती जाएगी। तो ये लिखा हुआ है सारा इसमें, बट ये भी एक, ये ऐसा नहीं है कि आप इसको बढ़ाए बढ़ाए जाओगे, ये भी एक सर्टेन लिमिट तक होता है, उसके बाद ये अपनी प्रॉपर्टीज को कॉन्स्टेंट कर देते हैं, उसके बाद इसकी जो होगी वैल्यू नहीं इंक्रीज होगी, रुक जाएगी, तो वो हमारी मैक्सिमम वैल्यू होगी जहां पे अलाइन करना बंद कर देगी। सेकेंड कह रहा है कि मॉलिक्यूलर थ्योरी एक्सप्लेन ईच पीस ऑफ मैग्नेट कट इन टू स्मॉलर पीसेज हैज नॉर्थ एंड साउथ पोल, दैट इज ईच पीस हाउ एवर स्मॉल कंप्लीट मैग्नेट। अब हमने पढ़ा था कि अगर हमारे पास नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, उसको ब्रेक करते हैं, दो मैग्नेट बनते हैं हमारे पास, एक फिर से इस पे नॉर्थ और साउथ आ जाता है, इस पे भी फिर से नॉर्थ साउथ आ जाता है। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि जो ऐसे ही हमने इसको ब्रेक किया जो इसके मोलिक्यूल्स थे वो ऐसे थे, इसमें भी मोलिक्यूल्स थे, तो जैसे ही ये मोलिक्यूल्स ब्रेक हुए तो फिर से यहाँ पे नॉर्थ है और इसके पास साउथ है, यहाँ पे भी नॉर्थ है साउथ, नॉर्थ साउथ, क्योंकि ये छोटी छोटी मैग्नेट है और ये अपने आपको फिर से एक डायरेक्शन में अरेंज करके दो मैग्नेट बना देती है। मतलब जो हमारी मैग्नेट ब्रेक होती है वो सिर्फ नॉर्थ और साउथ पोल अलग अलग नहीं रखेगी, वो दोनों पोल होती है, बायपोलर होती है, दोनों के पास दोनों पोल होंगे। तो ऐसा क्यों होता है, ये भी डिपेंड करता है मोलिकुलर थ्योरी पे। थर्ड पॉइंट एक्सप्लेन क्या किया मोलिकुलर थ्योरी ने, इट्स ऑल्सो एक्सप्लेन हाउ मैग्नेटिक लॉस इट्स मैग्नेटिज्म व्हेन हैमर्ड, हीट हैंडल रफली एक्सेट्रा ऑल केस मोलिकुलर मैग्नेट गेन एनर्जी एंड ऑर्डरली अलाइनमेंट डिस्टर्ब। अगर ये मोलिक्यूल्स एक ही डायरेक्शन में जा रहे थे, ठीक है, अब हम क्या करते हैं इसको हैमर से हिट करते हैं इस मैग्नेट को, अगर हम इस मैग्नेट को हैमर से हिट करेंगे तो ये मोलिक्यूल इधर उधर हो जाएंगे, और जैसे ही मोलिक्यूल्स इधर उधर होंगे ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को लॉस करना स्टार्ट कर देगी। या हम इसको हीट करें, अगर हम इसको हीट कर रहे हैं तो हीट करने से क्या होता है, जो मोलिक्यूल्स हैं उनके पास एनर्जी आ जाती है, एनर्जी जैसे ही उनके पास आएगी वो क्या करेंगे, एक दूसरी डायरेक्शन में जाना स्टार्ट कर देंगे रैंडमली, कोई इधर जाएगा कोई नीचे आएगा, कोई बैकवर्ड डायरेक्शन में कोई फॉरवर्ड डायरेक्शन में, ऐसे होने स्टार्ट हो जाएंगे, और जैसे ही इनका अलाइनमेंट क्या होगा डिस्टर्ब होगा फिर से इनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लॉस हो जाएगी। तो हमारे पास ये हमने डीमैग्नेटाइजेशन में किए थे वो सारे के सारे मोलिकुलर थ्योरी पे बेस्ड थे। तो ये हमारा चैप्टर था मैग्नेटिज्म, ठीक है, उसके बाद अब हम इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।